पहला प्रश्न अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है। प्रणाम, राम पर सीता के परित्याग का आरोप लगता है, रामचरितमानस में तो इसका उल्लेख है ही नहीं। कहते हैं कि तुलसीदास ने इसलिए इसे रामचरितमानस में नहीं लिया क्योंकि ये राम के चरित्र से मेल ही नहीं खाता था। मैंने कहीं पढ़ा है कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र नहीं है। एक जगह तो ये भी लिखा है कि यह निर्णय सीता का था। अब इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, कृपया इस पर कुछ कहें। भगवान राम के जीवन से संबंधित ये सर्वाधिक विवादित कहानियों में से, घटनाओं में से एक घटना है। क्या राम ने सीता का परित्याग किया? क्या ये बात सच है? अब अगर देखिए, इसको हम कई अर्थों में देख सकते हैं। एक तो बात यह है, किया नहीं किया आज इससे क्या फर्क पड़ता है? अतीत में घटनाएं क्या हुई क्या नहीं हुई, इनसे कोई आज के जीवन में फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। लेकिन राम का चरित्र चूंकि जनमानस में रचा बसा हुआ है और जनमानस उनको एक आदर्श की तरह देखता है, उनसे मार्गदर्शन पाता है, उनके जीवन शैली से, जीवन दर्शन से, तब ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अन्यथा इनमें कोई महत्व नहीं है। मैंने जब राम के जीवन और दर्शन पर बोलना प्रारंभ किया था, तभी मैंने कहा था कि बहुत सारी घटनाएं, कहानियां, वक्तव्य हमको एडिट करने पड़ सकते हैं और हमको पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में उन्हें देखना पड़ेगा कि वास्तव में सच है या नहीं है। समस्या क्या होती है, जब कोई पुस्तक चल पड़ती है तो लोग उसको अक्षरशः मानकर चलने लगते हैं, लेकिन समाज में अनेक तरह के षड्यंत्र होते हैं। आप यकीन के साथ इस बात को मान सकते हैं कि कोई भी पुस्तक इस संसार में पूरी तरह शुद्ध नहीं है। हर पुस्तक में कुछ न कुछ जोड़ा घटाया गया है। मनुष्य का मन दो तरह से चलता है, सृजनात्मक भी और विध्वंसक भी। कुछ लोग समाज को एक सही दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए समाज को बिखराव की तरफ ले जाने की कोशिशें भी करते हैं। प्रभु राम के संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि तुलसीदास जी ने इस घटना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने अपने रामचरितमानस को एक सुंदर मोड़ पर समाप्त कर दिया। पहले जो रचनाकार हुआ करते थे, अगर वो नहीं भी सहमत हैं किसी बात से तो उस पर बहुत विवाद नहीं रखते थे। तो यूं देखा जाए, तुलसीदास जी ने भी अपना मत रख दिया, उनके अनुसार वो कथा वहां पर पूर्ण हो गई। विद्वानों का ये भी कहना है कि जो वाल्मीकि रामायण है, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, वो बात भी स्पष्ट है। उसमें ये जो सातवां ये जो जोड़ा गया उत्तरकांड, ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, प्रोजेक्टेड, प्रक्षिप्त है। और कई लोगों ने, जिन्होंने राम की कथा पर बहुत शोध किया, उन लोगों ने यहाँ तक भी अपनी बातें रखी कि जो मूल ग्रंथ है वाल्मीकि जी का, उसके श्लोकों में भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करी गई और फिर ये बाद का प्रसंग पूरा का पूरा जोड़ के रखा गया। उसमें सीता का परित्याग, संभोग का वध और सब, राम के ऊपर जितने दाग लग सकते हैं वो सब उसी में लग जाते हैं। अब अगर हम किसी घटना का, देखिए, लिटमस टेस्ट करें, इतिहास तो लिखा नहीं है, कोई प्रमाण तो है नहीं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमने जैसा कहा, हम एक चरित्र गढ़ते हैं, तो अगर हम ये भी माने कि हमने राम का चरित्र गढ़ा, तो जिन लोगों ने भी राम का चरित्र गढ़ा होगा उनका उद्देश्य तो यही होना है कि जीवन में हम एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक दिशा राम के माध्यम से दर्शाएं, आदर्श चरित्र उनके माध्यम से हम
लोगों के सामने रखें। अब आदर्श का जो अभिप्राय हो सकता है वो एक ये है कि समाज की तरह से आदर्श, या आदर्श अपने ही मूल्यों पर खड़ा हुआ। राम को हम श्रेष्ठतम राजा कहते हैं, तो श्रेष्ठतम राजा का गुण क्या होगा? श्रेष्ठतम राजा का गुण यही होगा कि वो जो उच्चतर मूल्य हैं, जीवन को सार्थक दिशा देने वाले जो मूल्य हैं, उनको समाज में लेकर आएगा। और अगर समाज में पहले से ही प्रचलित कुछ बुराइयां हैं तो उनमें परिष्कार करेगा, उनमें सुधार करेगा। आम नेता क्या करता है कि समाज में जो चलता है उसी के पीछे पीछे वो चलता है, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व करने वाला होता है वो समाज की दिशा और दशा को मोड़ता भी है। राम को हम ऐसे ही आदर्श राजा की तरह देखते हैं कि वो समाज के चाल चलन को, उसकी विचारणा को, व्यवस्था को, प्रक्रिया को मोड़ेंगे भी उच्चतर मूल्यों के चलते हुए। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो इस घटना का राम के जीवन से कोई मेल नहीं खाता। जैसे घटना कहती है कि बस राम के कान में ये बात पड़ी कि हमारी प्रजा में एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भाई हम कोई अपनी पत्नी के लिए, कि हम कोई राम थोड़े ही हैं कि हम तुमको घर में रख लेंगे, तुम बाहर रह के आई हो इतने दिन। तो राम को लगता है अच्छा, हमारे जो समाज है हमारा, वहाँ लोग ऐसे सोचते हैं, तो समाज के सामने हमें आदर्श रखना है। तो राम कोई नकारात्मक आदर्श तो नहीं रखेंगे कि ठीक है तो हम अपनी पत्नी को निकाल के दिखाते हैं। यानी क्या वो इस बात को प्रमोट करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को उलाहना दे रहा था वो उसको निकाले? राम तो ये आदर्श रखना चाहेंगे कि सम्मान हो संबंधों में, संबंधों में गरिमा हो। राम का अगर सीता के प्रति हम प्रेम देखें तो अनन्य प्रेम का जो हमने वर्णन किया है वो है। तो एक तो राजा की दृष्टि से भी वो अनुचित है कथा प्रसंग, इसलिए उसको डिलीट किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही प्रक्षिप्त प्रोजेक्टेड प्रसंग डाला गया है उस कथा में, जो कि वास्तविक नहीं हो सकता। क्योंकि जो राजा इतना कान का कच्चा हो कि किसी ने कुछ कहा और उसने कर दिया, किसी ने कुछ कहा तो उसने वो कर दिया, ऐसा नहीं। दृढ़ और श्रेष्ठ राजा वो है जो सुनता है सबकी और करता है वही जो उचित होता है, जो सचमुच में सबके शुभ के लिए होता है। किसी की आलोचना, समालोचना, प्रशंसा, इससे वो राजा प्रभावित नहीं है। और इस घटनाक्रम में जो जिसने भी उसको जोड़ा है राम कथा में, वो जोड़ने वाला समूह ये दिखाना चाहता है कि वो इतने कान के कच्चे हैं, और आदर्श भी अगर मान लीजिए स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं तो कौन सा आदर्श? विध्वंसक आदर्श नहीं, तो उससे मेल नहीं खाता। फिर जो व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना अनन्य प्रेम कर रहा हो, जो कि हम पूरी राम कथा में देखते हैं, तो उसके लिए क्या यह संभव है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो और उसको घर से बाहर निकाल दे, जाओ जंगल में छोड़ो? तो ये तो बड़ा अमानवीय भी होगा और अप्रेमपूर्ण भी होगा, अराजनैतिक भी होगा, असंवेदनशील भी होगा, किसी भी दृष्टिकोण से ये फिट नहीं बैठता। तो ये पूरी की पूरी कथा मैं मानता हूँ कि राम की कथा में जोड़ी गई, क्योंकि समाज में कुछ लोग कई बार ऐसी व्यवस्थाएं भी चलाए रखना चाहते हैं जो समाज को बिखराव में बनाए रखे। राम की कथा को अगर हमें गढ़ना है, और हम उसको आज भी गढ़ सकते हैं और गढ़ना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि हजारों साल में वो कथा गढ़ी गई, तो हम उस कथा को बिल्कुल ही शुद्ध एक हीरे की तरह चमकदार गढ़ें। उसमें कोई भी ऐसी चीज हमें जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं जो समाज में किसी भी तरह का भ्रमपूर्ण संदेश लेकर जाती हो। अब इस कथा पर बहुत सारा चिंतन मनन चलता रहा। अब लोगों की समस्या क्या होती है ना, जो पढ़ने वाले होते हैं वो कभी ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम इसको डिलीट करते हैं कथा से।
तो फिर वो उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको कहेंगे कि नहीं वो इसलिए था, वो इसलिए था, इसलिए था। इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं, बहुत सारी बातों की व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, उनको हम सीधे सीधे डिलीट कर सकते हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये जो प्रवृत्ति है, ये हमको स्वीकार करनी चाहिए। और आगे मैं तो प्रस्तावित करता हूँ कि जब आगे रामायण की प्रतियाँ छापी जाएं, जैसे वाल्मीकि रामायण में अगर वो जोड़ा गया है उत्तरकांड, तो उसको डिलीट कर दीजिए, उसी को ज़रूरत नहीं है, वो राम की कथा से मेल नहीं खाता है। और अगर रखना है तो कुछ हीरे जैसा चमकदार रखिए, लोगों के जीवन में जो सार्थक दिशा निर्देश दे सके। राम हम उसको ही कहते हैं, राम हमारे लिए कोई उपन्यास का पात्र या कोई कैरेक्टर या इतिहास का कोई ऐसा चरित्र नहीं है भारत में जिसमें हम सारे शेड्स रखते हैं कि ये अच्छा वाला शेड भी है, बुरा वाला शेड भी है। राम को हम ऐसा अवतार मानते हैं जो लोक कल्याण के लिए और लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए हमारे बीच में है, तो उसमें हम सारी वो अच्छी बातें रखते हैं। उसमें स्त्री विरोधी बातें, दलित विरोधी बातें, समाज विरोधी बातें चरित्र से हम सब हटा देते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जोड़ी हुई कथाएं हैं वही राम को लोगों के लिए संशय में डालती हैं। वो कहेंगे अच्छा राम ने तो कौन सी कथा है कि उस शूद्र ने वेद सुन लिए तो उसे कान में शीशा भरवा दिया, शंभू का वध किया और तमाम तमाम तरह की चीज़ें, सीता का परित्याग, अब सीता कुंठित भी हुई, सीता ने भला बुरा भी कहा, लक्ष्मण जो सीता की अनन्य भक्ति में है वो भी जाके उनको जंगल में छोड़ आए। अब वो फिर कथा दिखाएंगे कि वाल्मीकि आश्रम में चली गई, वहाँ लवकुश पैदा हुए कि नहीं हुए, इस बात से राम की कथा का सरोकार नहीं है, राम की कथा इन मामलों से नहीं जुड़ती है। तो इस विषय में कोई बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, मेरा सीधा मत है ये पूरा प्रसंग मेल नहीं खाता है तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। Thank you.